बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चौरे। शुरुआत करते हैं श्रीनगर से आ रही एक बेहद अहम खबर से, जहां प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। कर्मचारी बड़े पैमाने पर सरकारी यहां कर्मचारी एकत्रित हुए और संयुक्त समिति के सदस्यों के तबादले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई के चलते 12 से ज्यादा कर्मचारी जख्मी हो गए। नसीर अहमद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नसीर, कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों ऐसे हालात आए कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा? देखो प्रशांत, ये जो बेसिकली एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस ऑर्गेनाइजेशन, इस यूनियन को कमजोर करने के लिए बड़े पैमाने पे इसके जो मेंबर्स हैं उनका तबादला किया, और इसी के चलते वो आज श्रीनगर के श्री कश्मीर पार्क में जमा हो गए सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए। और उसी दौरान जब ये कर्मचारी पार्क से बाहर आने की कोशिश उन्होंने की तो पुलिस ने इनको रोका, और जिसके दौरान पुलिस और कर्मचारियों के बीच झड़पें हुई और पुलिस ने लाठियां बरसाई इन पे और आंसू गैस की गोले दागे, जिसके बाद लगभग 12 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं उनको चोटें लगी हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। और इन जो कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार की ये साजिश है इनको, इस ऑर्गेनाइजेशन को।